क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इन्होंने क्या पूछा। इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कोरिस्पोंडिंग पार्ट आर मार्क्ड विथ कैन राइट ट्रायंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, आकृति में दो त्रिभुज हैं, जैसे देखिए एक और दो, दो फिगर दिया गया है ट्रायंगल का, एक का नाम दिया गया है यहाँ पे देखिए ए आर टी, ठीक है ए आर टी, ठीक है आगे देखिए दूसरे का नाम दिया गया है ओ डब्ल्यू एन, ओ डब्ल्यू एन, ठीक है सर्वागसम है, ये क्या है हमारा सर्वागसम है यानी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है आगे देखिए जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है, ठीक है ये जो भाग हैं इनको क्या किया गया है अंकित किया गया है, ठीक है ए आर टी मतलब दिया गया है। आगे देखिए हम लिखेंगे अगर, यहां दिया गया है वी कैन राइट, अगर हम लिखते हैं ट्रेंगल ए आर टी, यहां कॉन्ग्रेंट है और यहां क्वेश्चन मार्क है, अगर ट्रेंगल आर ए टी हम लिखते हैं तो इसकी कॉन्ग्रेंट कौन सा ट्रेंगल होगा हमें यही बताना है, तो चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखिए इन, इन द फिगर, आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन द फिगर द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट यहां लिखेंगे द कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क वी कैन राइट, यहां लिखेंगे ट्रायंगल क्या मिला था आर ए टी, बुक में था, यहां था कॉन्ग्रेंट, यहां क्वेश्चन मार्क, ठीक है हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे त्रिभुज त्रिभुज ए आर टी तथा ओ डब्ल्यू एन, ठीक है सर्वागसम है जिनके संगत भाग निम्नलिखित है ठीक है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां ए है तो यहां ए लिखिए पहले, ठीक है और एक एरो बनाइए, ठीक है तो देखिए इस साइड पहले वाले ट्रायंगल में और ये हुआ हमारा सेकंड ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में हमने ए लिया तो इसके बराबर कौन सा है ओ होगा, क्योंकि इसको जब ऐसे करेंगे पलटेंगे तो ओ मिलेगा, तो यहां पे लिख दीजिए ओ, लेफ्ट साइड वाला हमने ए लिया तो राइट साइड वाला ओ लिया, अब हम ले रहे हैं क्या आर, तो यहां पे लेंगे आर, एरो दीजिए यहां पे, तो आर के बराबर कौन सा है ध्यान दीजिए, अगर आर यहां पे है ऊपर है तो इसका ठीक उल्टा कौन सा होगा नीचे वाला होगा यानी डब्लू, यहां पे लिख दीजिए, अब देखिए बचा क्या टी, तो यहां पे टी लिखिए एरो बनाइए, अब देखिए टी हमारा नीचे वाला है ठीक है तो दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा होगा ऊपर वाला होगा यानी एन होगा, तो यहां पे एन लिखिए, अब ये ध्यान देने वाली बात है किसके द्वारा हम लिखे हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे वी कैन राइट ट्रायंगल आर ए टी, ठीक है कॉन्ग्रेंट है, यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन, ठीक है किसके द्वारा है यहां पे लिख देते हैं वाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा है, ठीक है हिंदी मीडियम लिख लें, हिंदी मीडियम यहां पर लिखेंगे इसलिए,
इसलिए उसके बाद लिखेंगे ट्रेंगल, आर ए टी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल डब्ल्यू ओ एम, और यहां पे लिख लेंगे एस ए एस सर्वागसम प्रतिबंध। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हमें क्या मिला, ट्रेंगल डब्ल्यू ओ एम, ये हमारा फाइनली आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।